अभिषेक, राज। गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, हम आप सभी के बीच आज लाए हैं एसाइनमेंट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कितनी आसान तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जिससे बच्चे बिना किसी दिक्कत का आसानी से बच्चा वो सीख सकता है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको असाइनमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियो आपको टाइम पे मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे यूज ऑफ ये जमा। ठीक है, कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे हम लगाएंगे, कहाँ पे आर लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप वहाँ पर यहाँ पर गौर कीजिएगा कि बच्चों को बता दीजिएगा कि यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, है हो हूँ। ठीक है, अंत में है हो हूँ होना चाहिए, और अगर अंत में है हो हूँ है तो बच्चों को बताना है कि बाबू इज एम आर का प्रयोग करना। ठीक है, और जहाँ पे आई रहेगा, जनरली 7% होता है, तो जहाँ पे आई रहेगा वहाँ पे आपको क्या लगाना है, एम लगाना। आई के साथ हमें क्या लगाना है, एम लगाना है। ठीक है, आई के साथ मुझे एम, हमेशा आई के साथ एम लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे ही रहे, ही हो, सी हो, इट हो, या राम हो। ठीक है, या एक आदमी का नाम हो, या सी का सी हो, या इट हो, या किसी भी एक आदमी का नाम हो, इन सभी के साथ मुझे क्या लगाना है, इज लगाना है। समझ में आ रहा है, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, राम के साथ इज, इन सभी के साथ इज। बच्चे को बताना यहाँ पे राम है, पर यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, राम, अनीता, बबीता, पपीता, सुनीता, देव, कृष्णा, वाट एवर, कुछ भी, मतलब एक आदमी का नाम हो तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसी के साथ अगर बाबू वी रहेगा तो आर लगाएंगे, यू रहेगा आर लगाएंगे, दे रहेगा आर लगाएंगे, राम और श्याम रहेगा आर लगाएंगे। मान यहाँ पे सीता गीता हो सकता है, अनीता बबीता हो सकता है, माने एक से अधिक कोई भी नाम हो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सभी के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर। ध्यान रखें अगर एक से अधिक हो, एक से अधिक के लिए केवल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम आगे बताएंगे आपको यूज ऑफ वाज या वेयर, कहाँ पे वाज लगाना है, कहाँ पे वेयर। तो यहाँ पे बच्चों को लिखेंगे ऐसे ही कि अगर वो जिस प्रकार हम लोग बोले इज एम आर में, तो अगर अंत में हाय हो हूँ तो इज एम आर, उसी प्रकार बाबू को बच्चे को बोलना है कि जहाँ पे, जहाँ के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था थे थी लगा रहेगा। ठीक है, अंत में था थे थी लगा होगा तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, वाज या वेयर, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज करेंगे। सर अभी तो आप आई के साथ एम बोले, तो बच्चों को ये बताना बाबू अगर अंत में है हो हूँ है तब एम लगाना है, पर अगर हिंदी वाक्य अंत में था थे थी है तो मैं क्या लगाना है, वाज या वेयर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों को बोलेंगे बाबू आई के साथ वाज लगाओगे, ही के साथ वाज लगाओगे, सी के साथ वाज लगाओगे, इट के साथ वाज लगाओगे, राम के साथ वाज लगाओगे, माने यहाँ पे राम है, माने कोई भी एक आदमी को, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में केवल एक के लिए, माने कोई भी एक आदमी हो तो हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर आए रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, राम रहे, तो हमें क्या लगाना है, वाज लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि वी, वी के साथ बाबू वेयर लगाना है, यू के साथ वेयर लगाना है, दे के साथ वेयर लगेगा, राम एंड सैम के साथ वेयर लगेगा, मान एक से अधिक नाम हो तो क्या लगाना है, हमें वेयर लगाना, ये भी समझ में आ गया होगा। मान देखिए अंत में था थे थी तो मैं वाज या वेयर, कहाँ पे वाज, कहाँ पे वेयर, ये बच्चे को आसानी से समझ में आएगा, बाबू आए रहेगा तो वाज, ही रहेगा तो वाज, सी रहेगा तो वाज, इट रहेगा तो वाज, एक आदमी का नाम रहेगा तो वाज। उसी प्रकार वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, दे के साथ वेयर, राम और श्यामन एक से अधिक का नाम होगा तो क्या लगाएंगे, हाँ वेयर लगाएंगे। अब देखिए नीचे में आ रहे यूज ऑफ शैल बी और विल बी, कहाँ पे शैल बी होगा और कहाँ पे विल बी होगा। ठीक है, तो देखिए आई और वी मात्र दो, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल बी लगाते हैं, बाकी सब के साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी। बच्चों को आप ट्रिक दे सकते हैं कि बाबू केवल आई और वी है जिसके साथ हम लोग शैल बी लगाएंगे, बाकी एक आदमी का नाम हो या एक से अधिक, जैसे कि देखो ही के साथ क्या लगेगा, विल बी लगेगा, सी के साथ विल बी लगेगा, इट के साथ विल बी लगेगा, यू के साथ विल बी लगेगा, दे के साथ विल बी लगेगा, राम के साथ विल बी लगेगा, राम एंड सैम के साथ विल बी लगेगा, माने या तो ही हो, या सी हो, या इट हो, या यू हो, या दे हो, या राम एंड, या राम हो, या राम एंड श्याम हो। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो, या एक आदमी का नाम हो या सभी को, हमें क्या लगाना है, विल बी लगाना है। याद रखे अगर अंत में कार्य, मतलब अंत में या तो गा गे गी रहेगा, क्या लगा रहेगा बाबू, अंत में गा गे गी, तब हम क्या यूज करेंगे आपको, तब हम यूज करेंगे शैल बी या विल बी। ध्यान रखे बच्चों को बताना है बाबू अंत में गा गे गी तो शैल बी या विल बी।
ध्यान रखिए, देखिए नोट में लिखा, यदि सेंटेंस में अवश्य रहे, क्या रहे, यदि सेंटेंस में अवश्य रहे तो इसका विपरीत प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा रहता है कि मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, तो जिस सेंटेंस में अवश्य लगा होगा तो वहाँ पे आप उल्टा यूज करेंगे। जैसे क्या, जैसे आई और वी के साथ लगा रहे हैं आप शैल बी, आई और वी के साथ क्या लगा रहे हैं शैल बी, तो वहाँ पे आपको यूज करना है विल बी। और जहाँ पे आप लगा रहे ही सी इट यू दे, एक आदमी का नाम हो, एक से अधिक आदमी का नाम हो, तो क्या लगा रहे विल बी, तो अगर जिस सेंटेंस में अवश्य लगा होगा तो वहाँ पे आप ही सी इट यू दे राम एंड सम, इन सभी के साथ, जैसे ये जो है आपका ये वाला लाइन ही सी इट राम एंड सम, इन सभी के साथ क्या लगाओगे विल बी लगाओगे, ना कि सेल बी, यहाँ पे सेल बी लगेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, यू के साथ, दे के साथ, राम के साथ, राम एंड सम के साथ क्या लगेगा आपका यहाँ पे सेल बी, कब, जब वाक्य में अवश्य लगा हो। अगर अवश्य नहीं लगा रहेगा तो हम जैसे है वैसे ही प्रयोग करेंगे, तो हल्का समझ जाएगा वाक्य में अवश्य लगा हो इसका हम उल्टा करेंगे, जिसके साथ सेल भी उसके साथ विल भी लगाना, जिसके साथ लगता है विल भी उसके साथ लगाना हमें सेल भी। ठीक है, और आगे हम आपको जरूर बताएं हैज और हैव के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, एडवांस बेसिक हमारे चैनल। Let's go.